हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे 17x5 का फ्लैट्स कैसे बनाएं। तो आप लोग कोरल ड्रॉ ओपन करिएगा और यहाँ पे जाइए फाइल में। यहाँ पे देखिए न्यू पेज दिया है, न्यू पेज लेंगे और यहाँ इस तरह का कुछ खुलेगा ऑप्शन। और यहाँ से आप लोग करेंगे फिट में और यहाँ पे लिख देंगे 17 और नीचे में लिख देंगे 5 और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे एक शेप यहाँ पे बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा शेप बन चुका है और इस पे है, यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल है यहाँ पे हम करेंगे डबल टिक तो हमारा एक यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से करते हैं कंट्रोल जे, या फिर आप लोग यहाँ पे डबल टिक नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 17 दिया था तो आप 17 लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे 5 और यानी 5 और इंटर प्रेस करेंगे तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। और कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे तो ए सेंटर में आ जाएगा और फिट हो जाएगा परफेक्टली जगह। और जो हमारा मैटर था उसको मान ली। अब इससे पहले दोस्तों, सबसे पहले इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल यस करेंगे या फाइल में जाके। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 17x5 कर दे रहा हूँ और इंटर प्रेस कर रहा हूँ। कहाँ पे सेव करें उस फाइल में, और यहाँ पे फ्लैक्स के नाम से देखिए यहाँ पे हमारा सेव हो गया। तब से भी इसलिए किए हैं दोस्तों ताकि काम करते करते हमारा जो सिस्टम है, जितना हमने डाटा बनाया था वो बाय द वे सिस्टम हैंग हो जाए तो उसके बाद साथ साथ सॉफ्टवेयर हमारा क्लोज होता है। इसीलिए हम लोग ऑलरेडी कंट्रोल यस करते जाते हैं और सेव करते जाते हैं, जितना प्रोजेक्ट की कंट्रोल यस करते हैं, सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो यानी जिसका कोरल ड्रॉ भी ऑटोमेटिक बंद हो तो उस टाइम जितना हमने डाटा काम किया था उतना बैकअप हमारा मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल फिक्स किया और इसके बाद इसमें जाएंगे दोस्तों, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दिया है दोस्तों इंटरेक्टिव कंट्रोल टूल और इस पर हम टिक करेंगे और अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे कुछ इतना सा। और देखिए हमारा कुछ बॉर्डर बनाएंगे इसका, जूम पॉइंटर से जूम करेंगे और फिर यहाँ से हम कर देंगे इंचेज में कर देंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर रहेगा 2 इंच का रहेगा और यहाँ से कर देते हैं 2 और यहाँ पे भी कर देते हैं 2, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे रखेंगे और देखिए यहाँ पे हो चुका। और ये जो हमारा रेक्टेंगल है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों ब्रेक ए पार्ट और फिर एक बार बाहर टिक करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑल अनग्रुप दिया है तो हम यहाँ से ऑल अनग्रुप करेंगे और यहाँ से जितना सारा है सबको यहाँ से, और देखिए हमने सारा डिलीट कर दिया। या फोर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा एक बॉर्डर मिल गया और एक ये हमारा अंदर का मिल गया फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे हम बॉर्डर में मान लीजिए रेड कलर देते हैं, इसमें भी रेड ही फिल करते हैं। इसका आउटर लाइन राइट क्लिक करके या फिल प्रेस करके बढ़ा देंगे, यहाँ पे टिक करेंगे यहाँ पे और इसका यहाँ पे हम कर देंगे 1, देखिए 1 इंच में देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारा बन गया 1 इंच में और कंट्रोल यस कर देंगे, सेव हो गया हमारा बैकग्राउंड। और हमने यहाँ पे जो मैटर टाइप किया था उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, कंट्रोल सी। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे मैटर पेस्ट हो चुका है और इसको हम यहाँ से सेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम यहाँ पे रखते हैं और श्याम जो है यहाँ पे रखते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक जो है हम यहाँ पे इसे रखते हैं, तो हमने रख लिया दोस्तों। और इसके साथ साथ ये जो हमारा इमेज है इसे हम सेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक इलिप्टिकल टूल लेंगे और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे कुछ इतना सा। ये हम कर देते हैं पावर क्लिप, इफेक्ट में गए और यहाँ से कर देंगे पावर क्लिप, पावर क्लिप इनसाइड और यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे और प्लस बटन से कॉपी करेंगे और इसे थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर की तरफ। और जो हमारा निचला वाला है इसमें हम कर देंगे सियान कलर फिल, इसका आउटर लाइन रन कर देंगे। ये जो हमारा ऊपर वाला बॉक्स है इलिप्टिकल टूल, इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर देंगे, इसका भी आउटर लाइन रन कर देंगे। फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारा थोड़ा सा बाहर है, इसे हम अंदर करेंगे। देखिए हमारा फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट किए तो हमारा यहाँ पे, और इसे यहाँ पे ड्रैग करके रखेंगे, इस इमेज को यहाँ पे रख। आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, मैं इसको सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से।
देखिए दोस्तों, हमारा मैटर सेट हो चुका है और इससे हमारा जो इमेज था वो सेट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोपराइटर का बनाया है और इसे यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे, जूम पॉइंटर से जूम करेंगे और यहाँ से भी एडिट में जाएंगे राइट क्लिक करके और एक यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और ड्रॉ करेंगे कुछ इतना सा। शिफ्ट बटन के साथ पेज डाउन करेंगे और इसमें हम कोई मान लीजिए ब्लू कलर दे देता हूँ, उसका आउटर लाइन नन कर देता हूँ और इस जो पॉइंटर दिख रहा है दोस्तों टिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हैंडल बन जाएगा। इस हैंडल को पकड़ के हमें अंदर की तरफ इधर की तरफ ड्रैग करना है। तो देखिए ड्रैग हो गया और इसमें हम और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं। हमारा जो नाम है हम यहाँ पर रखते हैं इसको और इसका कलर वाइट रखते हैं और ये जो हमारा व्हाट्सअप लोगो है इसे हम यहाँ पर रखते हैं, इसे भी यहाँ पर रखते हैं, इसका कलर येलो दे देता हूँ और एडिट में जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर और इसमें हम कलर चेंज कर देंगे, डार्क ग्रीन करेंगे थोड़ा सा और ग्रीन। यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रोप्राइटर मोबाइल नंबर था और व्हाट्सएप नंबर हमको हमने इस एक रेक्टेंगल को सेट कर दिया, इसका कलर वाइट कर देते हैं दोस्तों, इसे अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हम इसका कलर यहाँ से वाइट कर देते हैं और इसका कलर येलो कर देंगे, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा दोस्तों, और हम इसका भी कलर वाइट कर देते हैं, हो गया। और इसके बाद दोस्तों फिर पिक्चर बच चुका है और इसे भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे एडिटिंग में और यहाँ से कर देंगे एक इलेक्ट्रिकल टूल लेंगे और एक यहाँ पे सर्किल बनाएंगे और यहाँ से प्लस बटन से कॉपी करेंगे, ड्रैग करके नीचे रखेंगे और इसमें हम डार्क रेड फिल कर देते हैं और इसमें कलर वाइट और इसका आउटर लाइन नन और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पिक्चर इसे हम यहाँ पे रख देते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ इधर से प्रेस करके अंदर की तरफ, ये हमारा छोटा हो गया। और ये हमारा जो पता है दोस्तों, पता को यहाँ पे रखेंगे, इसे हम एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर देंगे, जूम पॉइंटर से जूम करेंगे और इसे बड़ा करेंगे, यहाँ से दोस्तों एक रेक्टेंगल लेंगे और इसमें हम कलर ब्लू फिल करते हैं और इसका आउटर लाइन यहाँ से नन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और एक फिर रेक्टेंगल लेंगे दोस्तों और यहाँ से कंट्रोल बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे इस रेक्टेंगल को, टिक टूल लेंगे और इस पर जब टिक करेंगे तो हमारा इस तरह का हैंडल बनेगा जो हमारा राउंडेड का शेप है, कंट्रोल के साथ इसे हम घुमाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और प्लस बटन के साथ यहाँ पे कॉपी करके रखेंगे और दोनों को सेलेक्ट करेंगे और देखिए दोस्तों, इसे भी सेलेक्ट किया और इस रेक्टेंगल को और यहाँ से हम कर देंगे ट्रिम, तो हमारा कुछ इस प्रकार का इफेक्ट बन जाएगा। इसमें कोई भी कलर आप दे देंगे तो और बेटर लगेगा और इसे या फिर डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों, मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, इसे भी यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और इसे शिफ्ट बटन के साथ पेज ऑफ करता हूँ और इस जो रेक्टेंगल और ये हमारा जो रेक्टेंगल है इसे जूम पॉइंटर बड़ा करेंगे थोड़ा सा ड्रैग करके और इसे छोटा करेंगे और इसमें कलर कोई दे देंगे, मान लीजिए हम वाइट ही रख दें। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये पोस्टर बन चुका है, इसका थोड़ा सा 3D टाइप बनाएंगे और इसका आउटर लाइन हम कर देंगे ब्लैक और F12 प्रेस करके इसका भी थिकनेस हम बढ़ा देंगे, ओके करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम 1 इंच करते हैं और प्लस बटन से कॉपी करेंगे और एरो की से ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह और लेफ्ट की साइड इस तरह और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ और इसमें हम कलर दे देंगे सियान और यहाँ पे जाएंगे दोस्तों इंटरेक्टिव ब्लेंडिंग टूल में और यहाँ से ड्रैग करके ये जो हमारा सियान कलर है, सियान कलर से हमने येलो वाले कलर से टच करना है, तो यहाँ पे देखिए टच करेंगे दोस्तों तो हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट यानी हमारा पोस्टर बन के आ जाएगा। और हम यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल एस करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाए। और देखिए दोस्तों, और इसमें कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल में जाएंगे और यहाँ इस पे ड्रैग करेंगे और यहाँ से ले लेंगे रेडियल में और जो हमारा ये बाहर का है वाइट कलर दिख रहा है इसमें हम कर देंगे रेड कलर फिल और जो हमारा ये बाहर का है इसमें हम कर देंगे
ब्लैक कलर से, तो हमारा कुछ इस प्रकार का पोस्टर बन जाएगा। और आप लोग इसे प्रिंट करा सकते हैं या फिर केवल सिंगल एक कलर जब रखेंगे दोस्तों केवल रेड ही, तो जब प्रिंटिंग हमारा फ्लेक्स होगा क्लियर दिखेगा। अब दोस्तों हमें प्रिंटिंग के भेजने के लिए और फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पे रखते हैं, यहाँ पे 70x5 करके और बराबर करके 1 पीस, जब मतलब जितना आपको चाहिए 1 पीस या 2 पीस चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 पीस चाहिए तो हम यहाँ पे 1 पीस रखते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। और देखिए सेव एज स्टाइल दोस्तों, यहाँ पे आप JPEG वेट मैप रखिएगा और एक्सपोर्ट करिएगा। यहाँ पे आप कितना रेजुलेशन रखेंगे आप अपने हिसाब से रेजुलेशन रखिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 300 का रखता हूँ और ओके करता हूँ और यहाँ से कर देंगे दोस्तों ओके। तो देखिए दोस्तों हमारा फ्लेक्स बन के रेडी हो चुका है और प्रिंटिंग के लिए तैयार है, और आप लोग प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं या फिर प्रिंटिंग कर सकते हैं। और इसका CDR लिंक मैं इसका CDR लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में।